बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। धार साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने सोमवार की रात एक जुए के अड्डे पर दबिश देकर 26 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग लेबर मानपुर फोर लेन पर नंदन ढाबे के पीछे एक पोल्ट्री फार्म पर बैठकर लाखों रुपए का जुआ खेल रहे थे। पकड़े गए सभी आरोपियों में से ज्यादातर बाहर के बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ आरोपी इंदौर, राव, क्षिप्रा और पीथमपुर के बताए जा रहे हैं। जुए और सट्टे का यह अवैध कारोबार इस क्षेत्र में पिछले कई दिनों से फल फूल रहा था और काफी बड़े पैमाने पर अवैध जुआ खिलाया जा रहा था, किंतु पुलिस की इस पर कोई नजर नहीं थी। बताया जा रहा है कि यह जुए का अड्डा एक स्थानीय ढाबे वाले के सहयोग से इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र के निवासी महेश राव गंगाधर राव और राजा नाम के आरोपी के द्वारा चलाया जा रहा था। यह भी बताया जा रहा है कि जुए का यह अड्डा कलसाड़ा फाटे पर स्थित एक ढाबे वाले के संरक्षण में चल रहा था, जिसके खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। धार पुलिस अधीक्षक को इस अवैध जुए के अड्डे के बारे में जब जानकारी लगी तो उन्होंने दो विशेष टीमें गठित करके रात में दबिश दिलवाई। जब दबिश दी गई तो कई आरोपी भाग निकले। जुआरियों के लिए बकायदा बिछात की पूरी व्यवस्था की जाती थी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर लगभग 26 जुआरियों को दबोच लिया और उनके पास से लगभग 1,70,000 रुपए नकद, मोबाइल तथा ताश के पत्ते जब्त किए हैं। पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। इस पूरे मामले में सादलपुर पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में बताई जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा जुए का अड्डा चलने के बावजूद थाने की पुलिस बेखबर रही और साइबर क्राइम टीम को कार्रवाई करना पड़ी। इसके अलावा जिले में और भी कई जगह जुए और सट्टे का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। डिस्कवर न्यूज के लिए दीपक सिंह चौहान की रिपोर्ट।